ये बताएं कि आपको मैरिटल स्टेटस क्या है? सिंगल, शदीद सिंगल. शदीद सिंगल. चलें आपकी शदीद सिंगल लाइफ के अंदर अगर आपको एक इंडिया से प्रपोजल आ जाए जो कि मुस्लिम भी हो और आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा भी उतरता हो, जैसे आपने अपने ख्वाबों का शहजादा सोचा हुआ है वैसा ही हो, लेकिन इंडिया से हो तो आप शादी कर लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्वाबों का शहजादा है वो इंडिया से ही है. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. उसका नाम है रणबीर कपूर. ओके. एंड ही इज ऑलरेडी मैरिड. तो अब मासूम आंसुओं में बह गए लाइक चूर चूर दिल. मैं तो कुछ और ही समझ रहा था. इंडियन हिंदू बॉय वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम बॉयज, इनमें कंपैरिजन करना पड़े तो क्या कौन से ज्यादा पसंद? बोल दो. इंडिया. बेटा मस्ते नहीं. तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे. आपका नाम? सालिह आसिफ. क्या करती हूँ? सॉरी, क्या करती हूँ? मैं जॉब करती हूँ. लड़के पसंद है कोई? नहीं. अरे कहना क्या चाहते हो? अबे साले. सॉरी. हिंदुओं में आई थिंक सो उनके बॉयज जो है ना वो शादी एक करते हैं, एम आई राइट? और हमारे में शादियाँ ज्यादा करते हैं. और एज अ गर्ल जो है ना बड़ी जलसी होती है कि मेरे जज्बात का कत्ल हुआ है. एक वो अल्लाह पाक ने जो है ये दिया हुआ कि चार शादियां आप कर सकते हैं, लेकिन हम औरत होने के नाते तो जलसी होती है ना यार कि चार शादियां. बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को. लेकिन वो सिर्फ इंडियन हो तो आप वो प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? नेवर एवर. कभी भी नहीं. क्यों? कभी भी नहीं. व्हाई? रीजन? बिकॉज दे डोंट लाइक अवर पाकिस्तानीज. तो रहन दो फिर. वेल डन, वेल डन, वेल डन. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scams, hitting no licks in the bank. Legacies. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में. दोस्तों आज की वीडियो में बात हो रही है कि आखिरकार जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं उनको हिंदू लड़के और खास करके इंडियन लड़के क्यों पसंद हैं. दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जो पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं उन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं जो कि आपको देख के काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा. दोस्तों इस वीडियो में आपने जैसे कि इंट्रो में देखा कि कुछ पाकिस्तानी जो लड़कियाँ हैं उनका ये भी कहना है कि हम जो हैं वो इंडिया में तो शादी करेंगे लेकिन हिंदू लड़के से नहीं करेंगे, यानी कि वो जो है वो मुसलमान लड़के से शादी करना चाहेंगे. दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की पूरा पब्लिक ही अपने देश को बनने पर आज रो रही है कि आखिरकार हम भारत से अलग क्यों हुए हैं, क्योंकि जब से वो अलग हुए हैं तब से लगातार उनके यहाँ गरीबी और भूखमरी जो है वो पैदा हुई है. हालांकि इंडिया में भी स्टार्टिंग में सब कुछ था लेकिन जिस तरीके से अभी बदलाव आया है और इंडिया पूरी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और बताया जा रहा है कि आने वाले 2029 तक ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा. इसको देखकर पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा जलते हैं क्योंकि वो एक तरफ देखते हैं कि लगातार जिस देश से हम अलग हुए हैं वो देश लगातार ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है और वही उनका पाकिस्तान जो है जो कि एक मजहब के नाम पे अलग हुआ था वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है. तो आज इसीलिए इस तरक्की को भी देखकर और पाकिस्तानी जो लड़कियां उनका ये भी कहना है क्योंकि जो इंडियन लड़के हैं वो गुड लुकिंग होते हैं इसीलिए वो उनसे शादी करना चाहती हैं. तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है. वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा. तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ये मैरिटल स्टेटस क्या है आपका? कमिटेड है, सिंगल अभी तक है या फिर मैरिड है? अभी तो सिंगल हूँ. अभी तो बिल्कुल सिंगल है. शदीद सिंगल जो ये मेरे ख्याल में ना ये हवा में है, लहर के अंदर है कि हर बंदा ही सिंगल है कसम से. हाँ, है अच्छा चलो मुझे ये बताया लॉयल बंदे खत्म हो गए ना असल में, लेकिन चलो कोई बात नहीं. उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह. होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह. यू विल गेट द बेस्ट इंशाल्लाह. अच्छा तंजीला आज का हमारा क्वेश्चन ये है, बात काम की बात पे आते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपको प्रपोजल आए पाकिस्तान से नहीं हमारे नेबर कंट्री इंडिया से आए, तो आप और उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हो जो कि आप अपने एक लाइफ पार्टनर के अंदर इमेजिन करती हैं, एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन वो सिर्फ इंडियन हो तो आप वो प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? नेवर एवर. कभी भी नहीं. क्यों? कभी भी नहीं. तो रहन दो फिर. Why? Reason? Because they don't like our Pakistanis. Mm-hmm. So that's why. Achha, I don't like it. Definitely वो आपको पसंद करेगा इसलिए आपको प्रपोजल भेजेगा, फिर क्यों नहीं?
देखें, पसंद या नापसंद की बात नहीं होती, असल जो बात है ना, बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो भी जो है वो काबिले गौर होती हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा रिलेशन कभी भी नहीं चल सकता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अभी तक ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सके, जिसकी वजह से जो है ना वो मुश्किल है, ऐसा सोचना भी नामुमकिन है। मजा नहीं आ रहा है। बताए सबसे पहले तो आप ये बताए, आप सिंगल है कि मैरिड है? सिंगल हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सिंगल है। अरे बहुत ज्यादा दिल पे छुटियाँ फिर रही है इनके। सही बात है। ये सिंगल है। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर आपको इंडियन हिंदू बॉय वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम बॉयज इनमें कंपैरिजन करना पड़े तो क्या कौन से ज्यादा पसंद? बोल दो। इंडिया। हिंदू बॉय पसंद है, क्या क्वालिटीज उसमें है जो आपको वो पसंद है? मेरी क्वालिटीज मतलब उनमें जो क्वालिटीज है ना जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ, और जो लाइक सिर्फ मुझे ही नहीं, सब लड़कियां जो हमारी पाकिस्तान में जितनी भी गर्ल्स हैं चाहे वो वुमेन हैं, आजकल यहाँ पे ट्रेंड भी इंडिया का ही चल गया है कि वो एक टाइम पे एक शादी करते हैं, ठीक है। सही बात है। और हमारे पाकिस्तान में ये है कि 4 कर लो 8 कर लो, ठीक है, अगर करो सुन्नत में जो सुन्नत नबी है, करो 4 8 करो, लेकिन उनसे करो जो मजबूर हो, लाइक जो बेवा है ये वो, लेकिन नहीं करने देंगे अपने हस्बैंड को किसका योर शादी को, कह रही हूँ ना, लेकिन यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि बेवा से ही करनी है, ये पकड़ेंगे फिर भी सिंगल को ही पकड़ेंगे, ठीक है, ये करने देंगे अपने हस्बैंड को, करने देंगे, हाँ शादी तो हो जाए करने देंगे, वैसे उसको दूसरी शादी क्या कह सकते हैं, करने दूंगी बस, जिंदगी हो तो ऐसी हो। अच्छा आपको ये क्वालिटी हिंदू लड़के में पसंद है कि वो एक एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं? हाँ ये क्वालिटी इसलिए मुझे इंडियन बॉयज पसंद है, इसलिए क्योंकि वो एक टाइम पे एक शादी करते हैं। अच्छा इसीलिए मुसलमान बॉय इतने पसंद नहीं है और ये क्वालिटी है? सही, क्योंकि इंडिया आईटी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और वो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और क्यूट भी होते हैं, उसके अलावा हैंडसम भी होते हैं, कहा जाए तो अपने आप का ख्याल भी रखते हैं, अपनी बंदियों का भी रखते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अगर आपको ऑफर आ जाए हिंदू बॉय की तरफ से, ठीक है, और वो आपसे शादी करना चाहते हैं, कमेंट्स भर जाने हैं भाई, उन्होंने कहना है कि इतनी प्यारी लड़की है, मारिया नाम है जिसका, और जिसका ना नहीं नाम क्यों चेंज करें भाई, इतनी प्यारी हो और माशाल्लाह इतनी क्यूट हो, कैमरे को कुछ इसको जूम किया हुआ है? नहीं नहीं जूम नहीं किया हुआ, मतलब मुझे पता चल जाता ना एंगल ठीक जा रहा है कि नहीं। अच्छा तो अगर ऑफर आ जाए इंडियन हिंदू बॉय से तो कर लोगी? हिंदू बॉय शादी नहीं करोगी? नहीं, पसंद एक अलग बात होती है, शादी एक अलग बात होती है। को क्या लगता है कि अगर आपको एक मैरिज प्रपोजल मिले, चाहे पहले ये बताएं कि आपको मैरिटल स्टेटस क्या है? सिंगल, शदीद सिंगल। शदीद सिंगल, चले आपकी शदीद सिंगल लाइफ के अंदर अगर आपको एक इंडिया से प्रपोजल आ जाए जो कि मुस्लिम भी हो और आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा भी उतरता हो, जैसे आपने अपने ख्वाबों का शहजादा सोचा हुआ है वैसा ही हो, लेकिन इंडिया से हो तो आप शादी कर लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्वाबों का शहजादा है वो इंडिया से ही है और उसका नाम है रणबीर कपूर। तो अब इंडिया से कोई भी अगर प्रपोजल आएगा तो अब बिग नो, कंट्रोल कंट्रोल, मतलब क्योंकि रणबीर की शादी हाँ, क्योंकि रणबीर अगर वहाँ से रणबीर नहीं तो वहाँ से फिर कोई नहीं। अच्छा मतलब ये कि रणबीर को आलिया ले उड़ी और मेरा दिल टूट गया। बस ऑप्शन हो एक पाकिस्तानी, एक इंडियन और एक यूरोपियन कंट्री के किसी भी लड़के का, तो आप शादी किससे करना चाहेंगे? काश ऑप्शन होता तीनों से करने का। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन ऑप्शन क्योंकि एक है तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी। पाकिस्तानी क्यों, आपने पाकिस्तानी को क्यों चूज किया? अरे पाकिस्तान में जब इतने अच्छे लड़के हैं तो बाहर मुंह मारने की क्या जरूरत है? बड़ी जल्दी मान गई ये बात।
सकता है। पाकिस्तान में अच्छे लड़के हैं, कोई कमी नहीं है। तो एग्जाम्पल पाकिस्तान वाले लड़कों में से आपको कोई पसंद नहीं आता और आपको कोई बाहर का लड़का पसंद आता है तो फिर किसको प्रेफर? तो अगर वो मुस्लिम होगा तो उससे कर लूंगी। हाँ, अगर मतलब मुस्लिम होगा तो कंट्री डिपेंड नहीं करती। ठीक है, कंट्री क्या डिपेंड करती है, बंदा डिपेंड करता है। शादी हमने कंट्री से करनी है, बंदे से करनी है। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास इंडिया का एक प्रपोजल है इंडियन लड़के का, तो व्हाट वुड यू से ऑन दैट कि आप किन चीज़ों को प्रेफराइज करेंगी और किस तरह से इस चीज़ को लेके चलेंगी? मैं सिर्फ अपने शोहर को प्रेफराइज करूंगी, बाकी किसी इधर उधर की चीज़ को नहीं देखूंगी। लड़का अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, इंडिया में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, जहाँ मर्जी रहता हो, कोई मैटर नहीं, मतलब कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, इंडिया के बारे में क्या जानती हैं आप? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अच्छा, मतलब ये आपको, मतलब आप वाकई इंडियन ड्रामास वगैरह में आया है? पहले तो हम लोग बहुत ज्यादा देखते थे, इवन अभी वो चैनल्स नहीं आते तो मैं यूट्यूब पर भी लगा लगा कर देखती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं उनका ये कहना है कि हिंदू लड़के इसलिए भी पसंद है क्योंकि वो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी करते हैं और ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही अच्छा जो है वो प्रतीक रहा है। और वही अगर मुसलमानों में बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि वो 4 से 5 शादियाँ भी कर लेते हैं और सबको एक साथ रखते हैं, यानी कि वो जो है वो एक लड़की को संभाल नहीं सकते लेकिन शादियाँ 4-5 कर लेते हैं। और ये इस पर भारत में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की लड़कियों की बात की जाए तो पाकिस्तान की लड़कियों में लड़कियों का ये कहना है कि अगर वो हिंदू लड़के से शादी करेंगे तो उनका सबसे बड़ा कारण यही रहेगा क्योंकि वो अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी करते हैं। वहीं अगर कुछ पाकिस्तानी लड़कियों की बात की जाए, जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि उनका ये कहना था कि वो जो है वो इंडिया में शादी तो कर लेंगे लेकिन वो जो है वो हिंदू लड़के से नहीं करके बल्कि मुस्लिम लड़की से करेंगे। दोस्तों, उनको ये भी सोचना चाहिए कि इंडिया में शादी करेंगे लेकिन वही सब कुप्रथा जो कि पाकिस्तान में भी चल रहा है वही इंडिया में भी आज भी वो सब मुसलमानों में है कि आज भी वो 4-4 शादियाँ 5-5 शादियाँ कर लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी लड़के हैं उनका मज़ेदार जो कमेंट था वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INA न्यूज को जरूर सपोर्ट करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए।